राजस्थान के जोधपुर शहर में ईद के दिन तनाव के बाद मंगलवार को 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने उपद्रव की घटनाओं के संबंध में 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शहर में हालात पर निगाह रखने के लिए आला अधिकारियों के साथ साथ 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हालात और ना बिगड़े इसके मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके गृहनगर जोधपुर पहुंचे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि घटना में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 12-15 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। टाइम इट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट राजस्थान। टाइम इट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का। राजस्थान के जोधपुर शहर में ईद के दिन तनाव के बाद मंगलवार को 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने उपद्रव की घटनाओं के संबंध में 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शहर में हालात पर निगाह रखने के लिए आला अधिकारियों के साथ साथ 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हालात और ना बिगड़े इसके मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके गृहनगर जोधपुर पहुंचे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि घटना में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 12-15 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। टाइम इट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट राजस्थान। टाइम इट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का। राजस्थान के जोधपुर शहर में ईद के दिन तनाव के बाद मंगलवार को 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने उपद्रव की घटनाओं के संबंध में 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शहर में हालात पर निगाह रखने के लिए आला अधिकारियों के साथ साथ 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हालात और ना बिगड़े इसके मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके गृहनगर जोधपुर पहुंचे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि घटना में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 12-15 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। टाइम इट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट राजस्थान। टाइम इट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का।